नई नई बात, नए भारत निर्माण का सूर्योदय दमन में है आज। नमस्कार, स्वागतम। यह पंक्ति जिस अवसर की ओर निर्देश देती है, वह अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संघ प्रदेश दमन व दीव में बहुविध विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण अवसर पर आप सबका संघ प्रदेश प्रशासन की ओर से स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य कि आज संघ प्रदेश में लगातार तीसरी बार हमारा मार्गदर्शन करने पधारे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों की गूंज से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अतिथि देवो भव की सनातन संस्कार परंपरा को बरकरार रखते हुए आज दमन प्रदेश के अतिथि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत अभिवादन करेंगे। अनुरोध करते हैं माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, एडमिनिस्ट्रेटर दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली, कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से अभिवादन करें। दमन और दीव के सांसद श्री लालू भाई पटेल और दादरा नगर हवेली के सांसद श्री नटू भाई पटेल संयुक्त रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का फूलहार से अभिवादन करेंगे। श्री लालू भाई प्रधानमंत्री जी को गणेश जी की मूर्ति व पाघ माननीय प्रधानमंत्री जी को पाग पहना करके व गणेश जी की मूर्ति प्रदान करके श्री लालू भाई उनका अभिवादन करेंगे। और दादरा नगर हवेली के सांसद श्री नटू भाई पटेल परंपरागत वाद्य तारपू की भेंट प्रधानमंत्री जी को अर्पण कर उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। अब अनुरोध करते हैं दादरा नगर हवेली के सांसद श्री नटू भाई पटेल को कि आप परंपरागत वाद्य तारपू की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और उनका अभिवादन करें। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की ओर से प्रमुख श्री सुरेश भाई पटेल व पंचायत टीम माननीय प्रधानमंत्री जी का रथ की प्रतिकृति एवं फूलहार से स्वागत अभिवादन करेंगे। श्री सुरेश भाई पटेल व दमन डिस्ट्रिक्ट पंचायत की टीम, आइए करतल धनी से इस स्वागत को हम सूर दें। दमन म्युनिसिपल काउंसिल के प्रमुख महोदय श्री शौकत मिथानी व उनकी टीम प्रधानमंत्री जी को कामधेनु की प्रतिकृति अर्पण कर उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। दमन म्युनिसिपल काउंसिल के प्रमुख महोदय श्री शौकत मिथानी और उनके सहयोगी कामधेनु गाय माता की प्रतिकृति अर्पण कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करेंगे। दमन प्रदेश के 11 गांव के सरपंच भी स्वर्ण मयूर की प्रतिकृति अर्पण कर प्रधानमंत्री जी का आज स्वागत करना चाहते हैं। दमन म्युनिसिपल काउंसिल की टीम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत व साथ ही सरपंच दमन प्रदेश की 11 पंचायत के सरपंच भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आज स्वागत अभिवादन करेंगे। दमन प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री गोपाल भाई टंडेल व उनकी टीम
माननीय प्रधानमंत्री जी को खेस अर्पण कर उनका स्वागत अभिवादन दमन की इस भूमि पर करेंगे। दमन प्रदेश के 11 विलेजेस के सरपंच, तत्पश्चात दमन प्रदेश भाजपा की टीम श्री गोपाल भाई टंडेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन के लिए मंच पर उपस्थित होगी। प्रदेश भाजपा टीम गोपाल भाई टंडेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन, तत्पश्चात सेवाभावी संगठनों के प्रतिनिधि जो कि प्रधानमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम्स और भारत सरकार की जन कल्याण योजनाओं का कोलाज उन्हें अर्पण कर उनका स्वागत अभिवादन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है प्रदेश भाजपा श्री गोपाल टंडेल व उनके नेतृत्व में उनके साथियों सहयोगियों द्वारा। एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव्स भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन, प्रधानमंत्री जी की फ्लेक्स की स्कीम्स और भारत सरकार की कुछ योजनाओं की कॉलेज उन्हें अर्पण कर करना चाहती है। फिशरमैन एसोसिएशन यहाँ के सागर खेड़ू भाई श्री विशाल टंडेल व साथी भी वुडन बोट अर्पण कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करेंगे। माछी समाज फिशरमैन एसोसिएशन माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन वुडन बोट अर्पण कर करना चाहते हैं। तत्पश्चात दमन में विविध प्रदेश और प्रांत के जो लोग बसे हैं वह भी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन करेंगे। और दमन महाविद्यालय के कुछ टॉपर्स पॉलिटेक्निक, आईटीआई, टीटीआई और गवर्नमेंट कॉलेज की साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स स्ट्रीम्स में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदान किया है वह विद्यार्थी भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। दमन में वैसे माछीमार समाज और अन्य प्रांत के समाज द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिवादन। और दमन महाविद्यालय के टॉपर्स प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद इस अवसर पर प्राप्त करेंगे। ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक, आईटीआई, टीटीआई और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम्स में अपने अभ्यास में उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न की है। धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय आपका। एक नदी ओळंगी विकासना शमणा साथे लईने आव्यो छूं, एक सदी ओळंगी हूँ सौने साथे लईने आव्यो छूं, सेवा अने मेहनत थी सौना विकासनो भेख लईने आव्यो छूं, मारी साथे सौ सौ विकास सूर्यना जळहळता तेज लईने आव्यो छूं। संघ प्रदेश ना प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर तरीके आवाज आगवा विजन अने आयोजनबद्ध विकास माटे जेवो संकल्पबद्ध छे तेवा माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल ने आमंत्रित करीए छीए। आज ना अवसरे शाब्दिक सत्कार माटे
माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पटेल। भारत माता की, भारत माता की। आज ना आप पावन प्रसंगे अपनी सौनी वच्चे उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के जेमणे स्वच्छता अभियान ने सामाजिक आंदोलन बनावी समग्र देश में एक नवी चेतना नो संचार कर्यो। जनधन ना खाता मार्फते देश ना करोड़ों गरीब परिवारों ने बैंकिंग क्षेत्र साथे जोड़ी आर्थिक भागीदार बनाव्या। मुद्रा योजना, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जेवी अनेक योजनाओं माध्यम थी युवान उद्योग साहसिकों ने एक नवी प्रेरणा आपी अने स्वरोजगार तरफ प्रोत्साहित कर्या। नोटबंदी होय के कैशलेस होय आ अभियान ना माध्यम थी भ्रष्टाचार मुक्ति ना संकल्प नो शंखनाद कर्यो। मेकअप इंडिया ना कार्यक्रम द्वारा युवानों ने रोजगार आपवानुं तेमज वैश्विक औद्योगिक साहसिकताना उत्तम पहल करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेवा अनेक कार्यक्रमों ना माध्यम थी महिला सशक्तिकरण प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करी। गरीब परिवार ना स्वास्थ्य माटे तेमज किसानों की आर्थिक सद्धरता माटे चालू वर्षना अंदाजपत्रक में अनेकविध योजनाओं समाविष्ट करी तेमना हितों की रखवाली करी अने दृढ़ संकल्प से निर्णय कर्यो। आम सामाजिक अनेक भौतिक विकासना नवा द्वार खोली तेमज 125 करोड़ देशवासियों आत्मविश्वास तेमज स्वाभिमान ने जागृत कर्यो। साथे साथे माँ भारती ने वैश्विक ओळख उभी करी 125 करोड़ देशवासियों ने सतत चिंता अने चिंतन करनार अने नवा भारतना निर्माण माटे दमण दीव जेवा नाना संघ प्रदेश प्रति असीम ममता दाखवी अने प्रोत्साहन अने बळ पूरु पाड़वा बदल आप श्रीनी गौरव उपस्थिति बदल आदरणीय परम आदरणीय अने परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीनु वंदन सह अभिनंदन करूँ छू। साथे साथे आनंदनी अनुभूति सह हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छू। आ विस्तारना लोकप्रिय सांसद भाई श्री लालूभाई, दादरा नगर हवेलीना लोकप्रिय सांसद भाई श्री नटूभाई, संघ प्रदेशनी जिला पंचायतना प्रमुखश्रीओ, संघ प्रदेशनी नगरपालिकाना प्रमुखश्रीओ, चूंटायेला सौ प्रतिनिधि मित्रों, सौ सरपंच मित्रों, संघ प्रदेशना स्वातंत्र सेनानीओनु हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छू। हूँ अंतःकरणपूर्वक संघ प्रदेशना सौ वडीलो, माता बहनों, दिव्यांग परिवारजनों, लाभार्थी मित्रों, उद्योग जगतना आगेवानों तेमज मारा वाला कामदार मित्रों तेमज मारा वाला युवान मित्रोंनु हृदयपूर्वक मोट विशाल संख्या में उपस्थित रहेवा बदल साथे साथे कदाच नानी अगवड़ सगवड़ सहन करीने पण आप आटली मोटी संख्या में उपस्थित रह्या छो आपनु अभिनंदन करूँ छूँ अने हृदयपूर्वक स्वागत करूँ छूँ। विशेष मारा मीडियाकर्मीओए पण आ कार्यक्रम सफल बनावा माटे जे पुरुषार्थ करो छे एमने पण हूँ हृदयपूर्वक अभिनंदन आपू छू अने हार्दिक स्वागत करूँ छू। भारत माता की, भारत माता की। आभार माननीय श्री प्रफुल्ल भाई। और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपके कर कमलों से आज दमन प्रदेश के लाभार्थियों को आप सहाय लाभ प्रदान करें। दमन में एनवायरनमेंट फ्रेंडली यातायात के लिए 20 लाभार्थियों को ई रिक्शो प्रशासन की ओर से आज प्रदान होने जा रही है। विशेष बात यह है कि यह सभी लाभार्थी महिलाएं हैं और 50% सब्सिडी इन्हें इस ई रिक्शो के लिए दी जाती है। अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप यह लाभ प्रदान करें। लाभार्थी हैं स्वेति हसमुख भाई पटेल, मीना गुलाब भाई हड़पति, मीना गुलाब भाई हड़पति। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की
संकल्पना को साकार करते हुए सगर्भा व धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के तहत स्वाभिमान किट प्रदान की जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। संघ प्रदेश में 4,532 लाभार्थियों को इस स्कीम के तहत कवर कर लिया गया है। इस स्कीम में 2 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल समेत 7.5 किलोग्राम राशन पूरक पोषण आहार के रूप में दिया जाता है। महिमा रीगल, इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों यह स्वाभिमान किट प्रदान की जाएगी। पटेल मनीषा गोविंद भाई, इन्हें भी आज यह स्वाभिमान किट माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करेंगे। और ज्योति संजय भाई हलपति, स्वाभिमान किट के तीसरे लाभार्थी हैं ज्योति संजय भाई हलपति। प्रधानमंत्री जी ने हमें नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और साथ ही बेटी बधाओ। नवजात लक्ष्मी के जन्म के आगमन की खुशी पर प्रशासन की ओर से लाभार्थियों को बधाई किट प्रदान की जाती है। आज इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ध्रुविशा जैन को ऐसी ही बधाई किट पुत्री के जन्म अवसर पर प्रदान की जाएगी। इस किट में डायपर्स और बच्चों के लिए खिलौने जैसी उपयोगी चीज़ें हैं। ध्रुविशा जैन, हेमांगिनी हलपति और अरुणा हलपति, लक्ष्मी जन्म की बधाई पर प्रशासन की ओर से बधाई किट इन लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। दमन प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण की एक पहल की है। तकरीबन 70 बहनों को CSR के तहत ड्राइविंग की तालीम दी गई और आज उन्हें लाइसेंस भी प्रदान किए जाएंगे। कुछ लाभार्थी हैं तुलसा बहन दमन और हिनल बहन भंडारी। इन दोनों लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ड्राइविंग लाइसेंस CSR तहत प्रदान किए जा रहे हैं। हर हाथ को काम, हर काम का हो सम्मान, पंडित दीनदयाल जी के इस विचार को मूर्तिमंत करते हुए दमन प्रशासन ने 3 रोजगार मेला द्वारा 1,116 लाभार्थियों को रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। आज कुछ ऐसे ही लाभार्थी श्रीमती भक्ति ठाकुर, अनिल भंडारी और इनाली प्रजापति को अपॉइंटमेंट लेटर्स माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों प्रदान होंगे। ईज ऑफ लिविंग सुगम्य भारत के तहत दिव्यांगों को भी सरल और सुविधायुक्त जीवन निर्वाह के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हियरिंग एड माननीय प्रधानमंत्री प्रदान करेंगे मुकेश टंडेल को। प्रमोद हलपति को सेंसर कैन प्रधानमंत्री जी के हाथों अर्पण किया जाएगा। मुकेश भाई की श्रवण शक्ति को एक नई दिशा इस सहाय से मिली है। सेंसर कैन प्रमोद हलपति को माननीय प्रधानमंत्री अर्पण करेंगे। ऋषि कुमार धर्मेंद्र सिंह को व्हील चेयर आज इस मंच से प्रधानमंत्री जी के हाथों अर्पण होगी। और इलेक्ट्रिक स्कूटर आनंद चंदुभाई हलपति को माननीय प्रधानमंत्री अर्पण करेंगे। ईज ऑफ लिविंग सुगम्य भारत के तहत दिव्यांग जनों की सुविधा और बेहतर जीवन के लिए ये सहायता आज इस मंच से प्रदान की जा रही है।
और अब आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपके कर कमलों से आज दमन दीव व दादरा नगर हवेली के 451 करोड़ के 20 बहुविध विकास कार्यों का भूमि पूजन रिमोट कंट्रोल से आप संपन्न करें। भारत आज वैश्विक फलक पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और देश का हर कोना प्रगति की नई मिसाल कायम कर रहा है, जिसका श्रेय जाता है हमारे दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हीं के विकास मंत्र को अपनाकर संघ प्रशासन ने दमन और दीव में अनेक विकास कार्यों की योजना बनाई है और आज कई योजनाओं का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संघ प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल और सांसद श्री लालू भाई पटेल की उपस्थिति में हो रहा है। दमन में देवका बीच पर सी फ्रंट डेवलपमेंट और अनेक अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण, दमन के कई मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य मार्गों के नवीनीकरण के साथ जम्पोर बीच पर सी फ्रंट डेवलपमेंट की योजना, धोबी तालाब का पर्यटन स्थल के रूप में विकास, दमन की शान कहलाने वाले दुबई मार्केट का पुनर्विकास, दमन नगर पालिका में अत्याधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण, छपली शेरी बीच फ्रंट का विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नए आवासों का निर्माण, भूमिहीन लोगों के आवासों के निर्माण के लिए सूर्योदय आवास योजना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए खास हाउसिंग प्रोजेक्ट, दमन में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में न जाना पड़े इस हेतु उनके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, दमन दादरा और नगर हवेली विस्तार के सभी सरकारी स्कूल्स के विद्यार्थियों को और सर्वप्रथम बार इंडस्ट्रियल मजदूरों को अक्षय पात्र फाउंडेशन की सहायता से संतुलित आहार प्रदान करने की योजना, संघ प्रशासन के अविरत प्रयासों के परिणाम स्वरूप दीव में भी आज अनेक नवनिर्माण लोकार्पण के लिए तैयार है जिन्हें नागरिकों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। दीव में जलंधर सर्किट हाउस का नवनिर्माण, नागोवा बीच का पुनर्विकास, घोघला बीच का सौंदर्यीकरण, फुदम पक्षी अभ्यारण्य का सौंदर्यीकरण, नक्षत्र वन का विकास, दीव म्यूनिसिपल विस्तार में सुवरेज लाइन का निर्माण, दादरा और नगर हवेली के सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में सिलवासा शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग और बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए 66x11 केवी 2x20 MVA GIS सब स्टेशन का निर्माण। आज का दिन दमन और दीव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है, उनसे इन प्रदेशों को मिलेगा एक सफल वर्तमान और एक उज्जवल भविष्य। आज दमन और दीव वासी उनका नए इंडिया का स्वप्न पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा संकल्प है जिसके तहत 2022 तक हर नागरिक का अपना खुद का आवास छत्र हो। आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के कुछ लाभार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पत्र प्रदान किए जाएंगे। दमन प्रदेश में 87 लाभार्थियों को 3,67,00,000 रुपये के आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अर्पण किए जा रहे हैं। लाभार्थी हैं पार्वती बेन हड़पति, और संगीता दलपत भाई। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना तहत 2.5 करोड़ रुपए के लाभ 53 लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे हैं। इसके तहत भूली बेन हड़पति और कलाबेन हड़पति को प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पत्र अर्पण करेंगे। सरस्वती विद्या योजना तहत आठवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही बच्चियों को स्कूल जाने की सुविधा प्रशासन की ओर से सरस्वती विद्या योजना के तहत साइकिल प्रदान कर की जाएगी। इसके तहत 685 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी के हाथों सरस्वती विद्या योजना तहत साइकिल प्राप्त कर रही है राय चंदनी कुमारी और मेघना ओझा। युवा उद्योग साहसिकों को स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत 2,435 लाभार्थियों को इस प्रदेश में सहायता दी गई है। कुछ लाभार्थी जो कि आज प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ये सहाय ग्रहण करेंगे, ताराबेन हलपति और प्रताप वनकर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तहत इस प्रदेश में 21,848 लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है। उसमें से आज नैनाबेन रमेश भाई पटेल और नैनाबेन परेश भाई राणा प्रधानमंत्री जी के हाथों इस लाभ का स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तहत 35,919 लाभार्थी कवर किए गए हैं और आज निलेश हलपति और नीताबेन कामली को प्रधानमंत्री जी के हाथों यह सहायता दी जाएगी। दमन प्रदेश को पर्यावरण प्रिय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यातायात देने की दिशा में एक नया प्रयास सीएनजी टैक्सी परमिट प्रधानमंत्री जी के हाथों आज अर्पण की जा रही है मेमन रूप सतार और ईश्वर भाई तुकाराम को। जैसा कि हम सब जानते हैं, दमन लघु भारत के रूप में उभर रहा है। यहाँ के अनेकानेक उद्योगों में भारत के हर प्रांत और प्रदेश के लोग रोजगारी रोजी रोटी के लिए बसते हैं। ऐसे श्रमयोगियों को सुविधायुक्त आवास प्रदान करने के हेतु स्पर्श यानी प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल रेंटल स्मार्ट हाउसिंग आज लॉन्च की जा रही है। इसके तहत तकरीबन 85,000 कामगार जो कि दमन प्रदेश में कार्यरत हैं उन्हें सुविधापूर्ण आवास हाइजेनिक कंडीशन के आवास प्रदान किए जाएंगे। आज से यह स्कीम लॉन्च हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस स्कीम की बुकलेट का लॉन्चिंग ज्यादा हम देखते हैं, पर आज दोनों प्रदेश हवाई सेवा से जुड़ रहे हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज दमन और दीव के बीच आज से शुरू हो रही है। 45 मिनट 17 मिनट के अंतर में अब कोई भी प्रवासी
दिव्य और दमन पहुंच सकता है। अनुरोध है प्रधानमंत्री जी से कि आप अपने को करें इस हवाई सेवा का। इस हवाई सेवा से दोनों प्रदेश के प्रवासन को एक नई दिशा, एक नया विकास मिलेगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि हरियाणा की प्रथम उड़ान एक महिला पायलट की भरी है। और अब अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री महोदय को कि आप आज दमन देव नगर हवेली से प्रदेश का विकास दृष्टि के 303 करोड़ के लोकार्पण से करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। से सीधा ही दमन में दुनेथा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन। दमन के दुनेथा में 17 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। दमन गंगा नदी पर नानी दमन और मोटी दमन के बीच पेडेस्ट्रियन ब्रिज का निर्माण। ऊर्जा की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए दमन के रिंगनवाड़ा सब स्टेशन में नए 220/66 kV ट्रांसफार्मर बेस की शुरुआत। सरकारी कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से सज्ज गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण। नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत। गैस पाइपलाइन और CNG स्टेशंस का शुभारंभ। दमन के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत। सरकारी स्कूल्स की इमारतों का पुनर्निर्माण और उनमें अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रयोजन। दमन के सभी नंद घरों को आधुनिक शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं से सज्ज बनाने के लिए उनका पुनर्विकास। ये सभी प्रोजेक्ट्स आज दमन के विकास को नई गति देने के लिए तैयार हैं। संघ प्रशासन के अविरत प्रयासों के परिणाम स्वरूप दीव में भी आज अनेक नव निर्माण लोकार्पण के लिए तैयार है। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है दीव की ऊर्जा की जरूरत की आपूर्ति के लिए 6 MW ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की शुरुआत, केवड़ी में 8 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत, स्थानीय मछुआरों के लिए फिशिंग की सुविधा को बढ़ाने हेतु दीव के काजीवाम घोघला में फिशिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण, बड़े और भारी वाहनों के दीव में प्रवेश के लिए खास तट ब्रिज का निर्माण और पद्मभूषण स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दीव में नई सुविधाओं का प्रयोजन एवं स्विमिंग पूल का निर्माण। दमन और दीव के नागरिकों को गर्व है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विभिन्न विकास परियोजनाओं का आज उन्हीं के हाथों लोकार्पण हो रहा है। एक ओर जहां इन परियोजनाओं से दमन और दीव की शिराओं में एक नया उत्साह बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हर एक दमन और दीव वासी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। खोखले वादे नहीं, ठोस इरादे वाली यह सरकार है। जो कहना वही करना, यह उसका मंत्र है। और इसी के चलते अभी अभी ई रिक्शों के लाभार्थियों को जो रिक्शा प्रदान की गई है, उन्हें पर्यावरण प्रिय यातायात के लिए दमन के मार्ग पर प्रस्थान करने प्रस्थान संकेत देने हेतु आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप इस ई रिक्शों को प्रस्थान संकेत दें। अब दमन में पर्यावरण प्रिय यातायात की शुरुआत होने जा रही है CNG रिक्शों के माध्यम से। प्रसूता माता व नवजात शिशु को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए दमन प्रशासन ने एक अभिगम अपनाया है, पहली सवारी और आपातकाल में जीवन रक्षक बनी हुई 108। इन दोनों सेवाओं को प्रस्थान संकेत देकर प्रस्थान करवाने आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। पहली सवारी और आपातकाल में जीवन रक्षक 108 एम्बुलेंस सेवा,
आज से दमन के नागरिकों को यह दो आरोग्य सुविधा की भेंट मिल रही है। एक सौ आठ जैसा कि हम सब जानते हैं आपातकाल में जीवन रक्षक का पर्याय बनी है और अब समय है वीडियो लिंक से जुड़ने का। माननीय प्रधानमंत्री जी, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के तहत आज दीव को एक और भेंट प्रदान करने जा रहे हैं। दीव और दमन के बीच हवाई सेवा का प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच से फ्लैग ऑफ करवा के शुरू कराएंगे। दीव और अहमदाबाद के बीच की यह हवाई सेवा से दीव प्रदेश के प्रवासन को एक नया बल और इकोनॉमी को एक नई वाइब्रेंसी प्राप्त होगी। उड़े देश का आम नागरिक, यह संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और इसके तहत रीजनल एयर कनेक्टिविटी, एयर सर्विसेज बिटवीन दीव एंड दमन आज से शुरू होने जा रही है। हम अपने वीडियो स्क्रीन्स पर देख सकते हैं दीव और अहमदाबाद की यह हवाई सेवा आज से प्रारंभ हुई है। यह पहली उड़ान है रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत अहमदाबाद और दीव के बीच। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है गंगा शुद्धिकरण। हमारी पवित्र लोकमाता गंगा मैया का शुद्धिकरण हो, यह प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है, एक संकल्प है। उस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए आज दमन प्रशासन की ओर से क्लीन गंगा फंड तहत एडमिनिस्ट्रेटर श्री एस आर यादव प्रधानमंत्री जी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चेक अर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी अपने एक संवेदनशील काव्य में कहते हैं कि गति एक, मति भी एक, प्रगति का पंथ भी है एक, दृढ़ निश्चय और दृढ़ नीतिमता है जीवन भर का एक ही उद्देश्य, विश्व गुरु बने मेरा भारत देश, मेरा भारत देश। नए भारत और न्यू इंडिया के निर्माण से भारत को विश्व गुरु बनाने संकल्पबद्ध 125 करोड़ भारतवासियों के हृदय में विराजित सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आइए जोरदार तालियों की गूंज से आमंत्रित करें, आप हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी। કેમ છો બધા? મજામાં? મંચ પર બિરાજમાન દમણ દીવ તથા દાદરા નગર હવેલી કે પ્રશાસક શ્રીમાન પ્રફુલ્લભાઈ પટેલ, संसद में मेरे साथी श्रीमान लालू भाई पटेल, और दादरा नगर हवेली के संसद के मेरे साथी श्रीमान नटू भाई पटेल, और विशाल संख्या में पधारे हुए दमन के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वट पड़ी थी जाओ तमें
शायद दमन के इतिहास में इसके पहले न कभी इतना बड़ा जन सैलाब आया होगा, और न ही कभी दमन के दीव के विकास के लिए करीब करीब 1000 करोड़ रुपयों की योजनाएं कभी लागू की गई होगी, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से दमन दीव दादरा नगर हवेली ये पूरे क्षेत्र में एक विकास का नया माहौल पैदा हुआ है, आज दमन एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। दमन में हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं होगा जहां के दो पांच परिवार दमन में रहते ना हो। हर किसी ने दमन को अपना घर बना दिया है, और इसलिए जो बातें हम दिल्ली मुंबई में देख रहे हैं वैसा ही सामाजिक जीवन हमें दमन में नजर आता है। एक अपनापन, एक भाईचारा, अनेक भाषाओं में बोलने वाले लोगों का समूह, और आज जब मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था मैं पूरे रास्ते भर दोनों तरफ देख रहा था जैसे हिंदुस्तान का हर कोना उमंग और उत्साह से भरा हुआ है। भाइयों बहनों, मने कहूं कि दमणमां ने दमणना आखा विस्तार में जिला में जबरदस्त सफाई अभियान चालू है, एकदम सफाई थी गई, चारे तरफ से कचरो उपड़ी गयो, खरेखर थी गयो, पहला कोई दी आटलू साफ थयु तू दमण थयु तू तो हमें साफ रखने जवाबदारी आपड़ी खरी कि नहीं, ढीला पड़ी गया ने आपड़ी खरी कि नहीं। आप बद्दा दमणवासियों संकल्प करे कि चलो हमें सरकारे साफ सफाई करी दी थी, पर हमें दमणना लोको हवे गंदगी नहीं करिए, करी सका नक्की? हाथ ऊपर करो तो जरा पक्को, अने जेमणे हाथ ऊपर नहीं करे शू करशे? दमण में इतनी स्वच्छता के प्रति जागरूकता और दमण में इतना बड़ा सफाई का अभियान, दमण एक प्रकार से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, और जब सफाई होती है तो लोगों को बाहर से आने का मन करता है। अगर टूरिज्म बढ़ता है तो यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलती है, और आज दमन दीव से जुड़ गया है, हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ गया है, और इसलिए दक्षिण भारत की तरफ से जो यात्रा करने का आना चाहते होंगे
सोमनाथ जाना चाहते होंगे, गिर के सिंह देखना जाना चाहते होंगे, वो दमन आएंगे और हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे। आप देखिए दमन का कितना विकास होगा। और अब दीव से भी अहमदाबाद के साथ जोड़ दिया गया है, यानी एक प्रकार से दीव और दमन विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों में दमन ओडीएफ के रूप में अपने आप को सज्ज कर लिया है, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच जाने से मुक्ति। यहां पर 2000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए। मैं अपने आप में इस काम के लिए प्रशासन को और यहां के जागरूक नागरिकों को बहुत हृदय से बधाई देता हूं कि आपने ये ओपन डेफिकेशन फ्री, सार्वजनिक स्थान पर शौच से मुक्ति, ये एक प्रकार से मातृ सम्मान का आंदोलन है, नारी सम्मान का आंदोलन है। और मैं तो उत्तर प्रदेश जब गया था एक बार, मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में टॉयलेट बनाने का अभियान था, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बढ़िया काम किया है। उन्होंने टॉयलेट पर बोर्ड लगाया है और उसका नाम रखा है इज्जत घर। और हकीकत है शौचालय ये इज्जत घर है, हमारी माताओं बहनों की इज्जत के लिए शौचालय का होना बहुत जरूरी है। तो आज आपने उस काम को भी कर दिया है। दमन में एक ग्रीन मूवमेंट चल पड़ा है, स्वच्छता का अभियान हो, ई रिक्शा की बात हो, सीएनजी टैक्सी की बात हो, और मैं अब आप भी दमन में एक नया रूप देखेंगे कि यहां की बहन बेटियां ई रिक्शा लेकर के दमन में चलती होगी और दमन के पर्यावरण की भी रक्षा करेगी। और जिस दमन में एक प्रकार से ये शांति प्रिय इलाका है, ये दंगा फिसाद वाला इलाका नहीं है, मिलजुल करके रहने वालों का इलाका है, इसमें जब माताएं बहनें वही रिक्शा चलाती होगी तो स्वाभाविक रीते उन पैसेंजर के रूप में सुझाते होंगे, उनके मन में भी माताओं बहनों के प्रति अधिक सम्मान बढ़ेगा और दमन की एक नई पहचान बनेगी। सीएनजी मूवमेंट हो, ई रिक्शा का मसला हो, या यहां पर एलईडी बल्ब लगाने का अभियान हो, करीब 1,40,000 एलईडी बल्ब इतने छोटे से क्षेत्र में बांटे गए हैं। और इसके कारण जिनके घर में बिजली है उन घरों में बिजली के बिल में जो कमी आई है, बिजली के बिल के पैसे बचे हैं, अकेले दमन में मध्यम वर्गीय परिवार के करीब करीब 7 करोड़ रुपए की बचत एलईडी बल्ब लगाने से बिजली के बिल में हुई है और यह हर वर्ष होने वाली है। मैं समझता हूं कि यहां दीर्घ दृष्टि से जो योजनाएं बनाई गई हैं, आज भी हमारे देश में कारखाने लगते हैं लेकिन मजदूरों को उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है।
वो कारखाने में आते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, उनकी कोई डिग्निटी है कि नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं कि दमन एक औद्योगिक नगरी है, देश भर के लोग मजदूरी के लिए यहां आते हैं और एक एक छोटे छोटे कमरे में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। वो जब नौकरी पे जाता है तो दूसरी टोली सो जाती है, वो नौकरी से वापस आता है वो सो जाता है और पहले वाला नौकरी पे चला जाता है। सोने के लिए भी शिफ्ट सिस्टम चलता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उत्तम मॉडल बना करके दमन में मजदूरी करने के लिए आए हुए लोगों के लिए एक उत्तम प्रकार का रहने की व्यवस्था, उसका भी आज आरंभ हो रहा है। इसके कारण मजदूरों की जिंदगी में बदलाव आएगा और सबसे बड़ा जिन उद्योगकारों ने उसमें सरकार से पार्टनरशिप करने के लिए आगे आए हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं इन मजदूरों को, इन हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अगर रहने की अच्छी जगह मिल जाए, खाने की सुविधा मिल जाए, तो वो अपनी जो ताकत है वो पूरी की पूरी आपकी फैक्ट्री में उत्पादन के अंदर लगा देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। आपने मकानों में जो धन लगाने वाले हो उससे ज्यादा धन ये मजदूर हमारे ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करके एक साल में आपका मुनाफा बढ़ा देंगे, ये मेरा विश्वास है। ये खुशी की बात है कि आज यहां ज्यादातर हमारे श्रमिक भाई बहन अकेले रहते हैं, गांव में मां बाप को छोड़कर यहां आए हैं और जो भी मिल जाए वो खा करके गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आज इन श्रमिक भाइयों बहनों के लिए अच्छा खाना मिले, एक श्रमिक खर्च कर सके उतने पैसों में मिले, इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से भोजन का प्रबंध करने का भी आज यहां प्रारंभ हो रहा है। इसका लाभ भी आने वाले दिनों में यहां के मजदूर भाइयों बहनों को मिलने वाला है। अच्छा खाना मिले, अच्छी नींद के लिए जगह मिल जाए, सुबह प्रातः विधि स्नान करने के लिए व्यवस्था मिल जाए, मैं समझता हूं वो श्रमिक इस दमन और इस देश के विकास के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज भी हमारे देश में कई शहर होंगे जहां 100% ट्रीटेड वाटर शायद पहुंचता होगा कि नहीं पहुंचता होगा कहना कठिन है, लेकिन अभी यहां मुझे बताया गया कि दमन के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लान के कारण अब दमन के नागरिकों को ट्रीटेड वाटर मिल जाता है, पीने योग्य शुद्ध पानी उनको प्राप्त हो जाता है। यानी सामान्य मानवी की सुखाकारी उसकी चिंता, आज यहां हमारे देश में माता मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर ये कम करने के लिए हमारे यहां कुपोषण से मुक्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से अरबों खरबों रुपया खर्च किए जाते हैं, लेकिन आज दमन ने एक नई पहल की है। भारत सरकार की इस योजना को उस परिवार में जहां 14-18 साल की बेटियां हैं, जहां प्रसूता माताएं हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको
पोषक आहार मिले, इसलिए एक आहार की किट हर महीने उनको देने का काम और उसका आज मेरे हाथों से कुछ परिवारों को देने का सौभाग्य मिला। मैं आशा करता हूं कि इन परिवारों में ये जो सरकार की तरफ से मदद मिली है उसका उपयोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब यह आ गया तो घर में पहले लाते थे वो बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो पहले खर्चा करते थे उससे ये अतिरिक्त है, तभी जाकर के आपकी 14-18 साल की बेटी के शरीर का विकास होगा। अगर उस बेटी के शरीर का विकास होगा, वो अगर सशक्त होगी, जब मां बनेगी तो बच्चा भी सशक्त मिलेगा, और जिस देश का बच्चा सशक्त होगा वो देश भी सशक्त बनेगा। ये काम इस योजना के तहत हो रहा है। भाइयों बहनों, दीव अब स्मार्ट सिटी में उसका नाम नंबर लग गया है। अनेक विध योजनाएं दीव के साथ जुड़ी हैं। यहां पर आपका यूनिवर्सिटी का सपना था ना? आपको लगता था कि सूरत नर्मदा यूनिवर्सिटी से कब तक रहेंगे? भारत सरकार ने आपको भी एक यूनिवर्सिटी देने का निर्णय किया। हमारे मछुआरे भाई बहन केरोसिन पर बैठ, मुझे खुशी है कि हमारे माछीमार भाइयों बहनों को वेट की ड्यूटी जीरो कंटिन्यू कर दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं मेरे माछीमार भाइयों से कहना चाहता हूं, और मैं श्रीमान प्रफुल्ल भाई और हमारे के एमपी को भी कहना चाहता हूं, हमने सिर्फ यहां पर अटकना नहीं है। अब भारत सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन के तहत हमारे माछीमार भाइयों बहनों के लिए एक लॉन्ग रेंज की बोट प्रोवाइड करने की दिशा में कदम उठाया है। अगर आप 5-10 मछुआरे इकट्ठे होकर के मंडली बना देंगे, बैंक से आपको लोन दिया जाएगा, उसमें सब्सिडी दी जाएगी, और आप ये नई बोट लेकर के डीप सी में जा सकेंगे, और डीप सी में आप सबसे ज्यादा कैच ले सकते हैं, उत्तम प्रकार की मछली ले सकते हैं। यहां नजदीक में आप भटकते रहते हैं और 12 घंटे काम करने के बाद जितनी मछली लेके आते हैं, ये नई बोट के सहारे अंदर जाकर के वही काम 2 घंटे में कर करके आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि दमन के समुद्री तट पर, दीव के समुद्री तट पर एक स्पेशल प्रोजेक्ट हाथ लिया जाए, और उस प्रोजेक्ट के तहत यहां के माछीमार परिवारों के द्वारा सीवीड की खेती की जाए। समंदर के अंदर खारे पानी में हो जाती है, और वो जो पैदाइश हो वो हमारे खेतों में लोग डालें, उससे उत्तम कोई फर्टिलाइजर नहीं हो सकता है, उससे उत्तम कोई फसल नहीं हो सकती है। बहुत आराम से इस काम को किया जा सकता है, और मैं चाहूंगा कि प्रफुल्ल भाई इसको इनिशिएटिव ले और इस काम को एक नया मॉडल देश के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करें, और मुझे विश्वास है कि दीव दमन के क्षेत्र में ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। भाइयों बहनों, चाहे कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, घरों में एलईडी बल्ब लेने की बात हो, रास्ते बनाने हो, ब्रिज बनाने हो, सामुद्रिक मार्ग से भी दीव को जोड़ने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, 15-15 घंटे जहां लगते थे, आधा घंटा 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। कितना समय बचेगा, कितने पैसे बचेंगे, और यहां के लोगों को कितना लाभ होगा। भाइयों बहनों, दमन एक विकास की नई ऊंचाइयों पर जाए। हमारा दीव, दमन, सिलवा से पूरा क्षेत्र
देश के रूप में सामने एक मॉडल के रूप में खड़ा हो, ये पूरा मेरा विश्वास है। और आज आपने इतनी बड़ी मात्रा में आकर के मुझे जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये आप जो खूब खूब अभिनंदन तमने बधाने, धन्यवाद। आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। फिर एक बार भारत माता की जय घोष कर प्रधानमंत्री जी को हम उनके भाषण के लिए अभिनंदन करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।